दिन बहुत ही जल्दी आ गया आजकल, पासपोर्ट वाला जो काम है बड़ा जल्दी होने लग गया आजकल, तो आ चुका है मेरा पासपोर्ट। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है वो घूम गया है, और पासपोर्ट घूमने के बाद कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी जा रहा हूँ अपने लोकल थाने, मतलब जिस मेरा घर जिस एरिया में आता है तो पद्मनाभपुर थाने है। तो अभी थाने जाते हैं, सबसे पहले FIR कराना रहता है, तो FIR कराते हैं फिर देखते हैं क्या होता है वहाँ। तो थाने जाने से पहले मैं आ गया हूँ सोनू भाई को उठाने, सोनू भाई को लेते हैं फिर चलते हैं थाने। सोनू, तो ये है पद्मनाभपुर थाने, यहाँ आए FIR लिखवा लिए हम लोग, अब जा रहे हैं वापस पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पे बस FIR को दिखाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ कैसे होता है। गाइस, तो पासपोर्ट ऑफिस आने के बाद ये बात पता चला कि जो भी लॉस्ट वाला रहता है इसके लिए मेरे को रायपुर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो ये इसमें हम लोग को अभी मेंशन कराना पड़ेगा FIR में। उन्होंने मेंशन करना भूल गया कि कहाँ से इशू हुआ था, वैलिडिटी कब था, वो सब इसमें लिखवाना पड़ेगा बोले। वो सब लिखवा के फिर ये NXR ऐप बोले डाउनलोड करना है और ये सब लेके जाना है रायपुर, अपॉइंटमेंट लेके हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन डिपेंड करता है। चलते हैं वापस थाने। 2 hours later. तो FIR में वही सब मेंशन कराना था, कहाँ से इशू हुआ है, वैलिडिटी कब से कब तक है, तो वही हम लोग अब करा के जा रहे हैं वापस घर। तो फॉर्म भरना है, उसमें ये FIR जाएगा और NXR F करके एक फॉर्म है वो जाएगा, और बेसिक जो जैसा भरते हुए, लेकिन ये होगा रायपुर से दुर्ग वाले पासपोर्ट ऑफिस में नहीं होगा। तो अगर आपका भी घूम जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसके लिए आप लोग जा सकते हैं रायपुर वाले पासपोर्ट ऑफिस। तो अब गाइस घर आ चुके हैं, पासपोर्ट सेवा का वेबसाइट है portal.passportindia.government.in। इसमें आने से ये NXR एफिडेविट में क्लिक करने से यहाँ पे दिखाता है, तो मेरा लॉस्ट है तो NXR F, इसको लेके डाउनलोड करेंगे, ऐसा दिखता है ये फॉर्म। उसके बाद इसमें जाना ilovepdf.com में और इसमें कन्वर्ट टू वर्ड कर देना, एक मिनट दिखा देता हूँ, ये PDF टू वर्ड में कर देना, फिर गूगल डॉक्स में उसको खोलना और यहाँ पे अपना जो भी लिखना है लिख लेना सब। हाँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो है ना ये। अच्छा, नहीं नहीं दोनों है। आई रवीश रजनीश राम, फिर ये SO मतलब सन ऑफ, तो मैं अभी ये सब फिल कर लेता हूँ। तो मुझे मिला है अपॉइंटमेंट 20 तारीख का रायपुर वाले पासपोर्ट ऑफिस में, तो एक NXR F जो फॉर्म भरा था वो हो गया, उसको प्रिंट कराना है मेरे को, आधार कार्ड का कॉपी और आधार कार्ड लेके जाना है, FIR का ओरिजिनल लेके जाना है और एक दो चीज़ और बस। दो मिनट लगे प्रिंट कराने, वही अभी NXR F प्रिंट करके सोनू भाई को छोड़ने जा रहा हूँ। तो आ गए हैं फोटो कॉपी और प्रिंट कराने सब हो रहे। हाँ, फर्स्ट और लास्ट को एक ही पेज में कर देना। और One eternity later. तो उस दिन का व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, फोटो कॉपी करा के हम लोग घर आ गए थे। आज है 20 तारीख, उस दिन था 18 तारीख, आज मैं जा रहा हूँ रायपुर क्योंकि मेरा रायपुर में अपॉइंटमेंट है, जो मैंने FIR कराया और NXR F जो फॉर्म भरा वो सबको लेके जाना है, और बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ प्रूफ के लिए आधार यूज़ कर रहा हूँ, एड्रेस के लिए भी आधार यूज़ कर रहा हूँ, तो चार ही फाइल लगता है। और नॉन ECR के लिए मेरे पास 10th-12th का मार्कशीट है और मेरा डिग्री भी है तो वो भी लगता है, तो वो सब लेके बस अब मैं जा रहा हूँ सोनू भाई को लेने और उसके बाद चलते हैं हम लोग रायपुर और आगे का दिखाता हूँ फिर आप लोग को। ये मेरा फाइल रेडी है तो निकलते हैं अब रायपुर। तो गाइस, मुझे जो अपॉइंटमेंट मिला है वो 3 बजे का मिला है, तो 2:45 रिपोर्टिंग है वहाँ, और रायपुर वाला थोड़ा स्ट्रिक्ट है पासपोर्ट ऑफिस, दुर्ग वाले में तो कोई भी अंदर घुस सकता है, वहाँ से जिसका अपॉइंटमेंट है वही बस जा सकता है, और वहाँ थोड़े स्ट्रिक्ट भी है। तो अब देखते हैं, FIR की ओरिजिनल कॉपी रखा हूँ मैं और सारे फाइल्स तो बता दिया क्या क्या रखा हूँ, बस निकलते हैं सोनू भाई को लेके रायपुर।
बीमार सोनू भाई आ चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं रायपुर के लिए। क्या हो गया सोनू भाई? सर है यार, तो थोड़ी सर्दी खासी, तब तक कॉम्पिटिशन बिगाड़ नहीं कर पाऊंगा। अरे प्लीज ड्रॉप प्रे फॉर सोनू। तो करीब करीब 1 घंटा लगेगा हम लोग को और अभी बच गया 1। अपॉइंटमेंट है 2:45 की। गाइस तो हम लोग पहुंच चुके हैं रायपुर। ये था पुराना बस स्टैंड यहाँ सामने पे जो कि बंद हो गया। ये वाले बिल्डिंग में पासपोर्ट ऑफिस। तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। टाइम ऑलमोस्ट मेरा होने वाला है, 2:20 हो गया, 20 मिनट और है। तो रायपुर के पासपोर्ट सेवा ऑफिस में आने के बाद मुझे ये बात पता चली कि पैन कार्ड का भी फोटोकॉपी लेके आना था और ई आधार कार्ड का भी फोटो प्रिंट लेके आना था। और यहाँ पे टोकन मिलता है, टोकन के अकॉर्डिंग यहाँ आपको काउंटर्स पे बुलाते हैं और आपका प्रोसेस होता है। गाइस तो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा 20 सितंबर को और आज है 10 अक्टूबर और फाइनली मेरा पासपोर्ट आ चुका है आज। तो बस इसको अब खोल के देखता हूँ। पिछला वाला जो मेरा पासपोर्ट था वो था 30 पेजेस का, ये वाला जो है वो 60 पेजेस का है। तो इसको बस मैं खोल लेता हूँ, वैसे दिखा तो नहीं पाऊँगा आप लोगों को। बहुत ही जल्दी आ गया आजकल पासपोर्ट वाला जो काम है, बड़ा जल्दी होने लग गया आजकल। तो आ चुका है मेरा पासपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट।